आज तक मैंने आपके साथ काफ़ी सारे केक की रेसिपीज डेकोरेशन शेयर किए हैं, पर क्या आपको पता है ये हर एक केक की कुछ ना कुछ कहानी होती है, कभी अच्छी कभी बुरी। ये मेरा 2020 में किचन था। इस छोटे से किचन में केक की एक अच्छी फ़ोटो खींचने में न जाने क्या क्या करना पड़ता था। बैकग्राउंड कैसे सेट करूँ, लाइट कैसे एडजस्ट करूँ, थंबनेल अच्छा आए ताकि मेरे डिलीशियस रेसिपीज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ, सब कुछ अकेली देखती थी। हाँ, फ़ोन पर हस्बैंड का गाइडेंस कभी कभी मिलता था, पर अभी भी कोई टीम नहीं है, मैं अकेली ही काम करती हूँ। पर बिना हिम्मत हारे यहाँ तक पहुँची हूँ, आगे भी आपके साथ से ही बिना रुके चलती रहूँगी और आपके साथ नई नई रेसिपी शेयर करती रहूँगी। अब इस केक को बनाने में मैं खुद भी इतनी एक्साइटेड थी, लेने वाले भी एक्साइटेड थे, पर कुछ तो ऐसे हुआ जिसकी वजह से कस्टमर केक खा भी ना सके। बच्चों ने तो खा लिया, पर घर के बड़े लोग परेशान थे। चलिए केक की रेसिपी दिखाते हुए आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। तो ये बिल्कुल हटके डिज़ाइन वाला केक है और आपको इसके लिए ना किसी भी स्पेशल टूल्स की या और कोई अलग से चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ही सोसाइटी में एक छोटे बच्चे के बर्थडे के लिए इस केक की ऑर्डर आई थी, तो ये हमने बनाया है फुटबॉल केक, बस हमेशा के ही राउंड टिन में और बिना किसी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट के। 1 किलो का केक बनाना था तो प्रीमिक्स मैंने लिया है 400 ग्राम और ये थोड़ा सा। एक्चुअली ये ऊपर का थोड़ा सा लेने की ज़रूरत नहीं थी, 400 ग्राम में ही आपका 1 किलो से ज़्यादा केक आराम से बनेगा। मेरे केक का फाइनल वेट 1.25 किलो हुआ था, पर चार्जेस मैंने 1 किलो के ही लिए क्योंकि कस्टमर ने 1 किलो का ही केक बोला था। अब 100 ग्राम प्रीमिक्स के लिए 1 चम्मच ऑयल, इस हिसाब से 400 ग्राम प्रीमिक्स के लिए 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देना आप इसमें। साथ में ही ये जो 1 कप भरकर पानी लिया है ना, इसमें से थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में डाल देंगे हम। अब ये केक हमें मिक्स फ्रूट फ्लेवर में बनाना है, तो स्पंज में भी हल्का सा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगी। 4-5 ड्रॉप्स इसमें डाल देना। आपके पास इसेंस नहीं है तो आप सिंपली प्रीमिक्स से भी केक बनाओ, चलेगा, कोई बात नहीं। चलिए अब व्हिस्क की हेल्प से इसे मिलाते जाएंगे हम। देखिए, जैसे ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें पानी डालती जा रही हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाना। कंसिस्टेंसी बैटर की ऐसी होनी चाहिए, बस ये याद रखना। अब 1 किलो के केक के लिए 7 या 8 इंच का टिन यूज़ कर सकते हो आप, पर ये केक हमें बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं चाहिए, इसलिए इसके लिए 8 इंच का ही टिन सही रहेगा। वैसे मेरा केक तो 1.25 किलो का था, अगर आप परफेक्ट 1 किलो का भी केक बनाओ ना तो भी 8 इंच के टिन में सही लगेगा। और हाँ, सब पूछते हैं आप प्रीमिक्स कौन सा यूज़ करते हो, तो जनरली मैं पिल्सबरी या प्रेस्टन का प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ, दोनों भी अच्छे हैं, इनमें से जो मिले आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो हुआ यूँ, कुछ साल पहले, लगभग 5 साल पहले, मेरे एक पड़ोसी ने ना, उन्हें कहीं पर एक गिलहरी थोड़ी सी डरी हुई सहमी हुई सी स्थिति में मिली थी, तो वो कहीं मर न जाए इसलिए उनके बेटे उसे उठाकर घर ले आए थे। उन्हें एक्चुअली ऐसे पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, उसका खाना पीना, साफ़ सफाई, डॉक्टर सब करते थे वो। लगभग 5 साल से वो स्क्विरल खुशी खुशी उनके घर रह रही थी, पर बर्थडे के दिन ही पता नहीं उसे अचानक से क्या हुआ, खेलते खेलते जैसे अटैक या फिट आती है ना, वैसे कुछ हुआ उससे, वो गिर गई और फिर वापस उठी ही नहीं। एक्चुअली जब मैं केक देने गई थी ना तब तो सब ठीक था, पर केक कटाई से जस्ट पहले ऐसे हुआ तो सेलिब्रेशन में किसी का भी मन नहीं लगा था। बस बच्चों के लिए उन्होंने सेलिब्रेशन कंप्लीट किया। उस गिलहरी से उनकी पूरी फैमिली को इतना लगाव था ना कि 2 दिन बाद मैं उनके घर गई तब भी वो मुझे बताते वक्त इतने परेशान थे ना, बहुत बुरा लगा। क्या आपने कभी ऐसे पेट्स पाले हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उनके साथ जुड़ी कोई यादें भी कमेंट्स में लिखो तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब इस केक की तरफ बढ़ते हैं। मिक्स फ्रूट केक बनाना था तो ये मैंने मिक्स फ्रूट क्रश लिया है। इनमें से काफ़ी सारा क्रश क्रीम की लेयर पर डालकर अच्छे से इसे हम फैलाएंगे। ऐसे मिक्स फ्रूट क्रश का इस्तेमाल करके एक्चुअली फर्स्ट टाइम केक बना रही हूँ मैं। इससे पहले मैंने आपके साथ फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करके एक चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर की थी। फ्रेश फ्रूट्स के कारण उस केक की टेस्ट तो यूनिक थी ही, पर उसका डेकोरेशन भी बहुत ही अमेजिंग हुआ था। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेक करना, अच्छा लगेगा आपको वो भी। यहाँ पर मैंने फटाफट से स्पंज, शुगर सिरप, उस पर क्रीम और फिर क्रश, ऐसे करते हुए सारी की सारी चारों लेयर्स लगा दी है। अब साइड से हल्की हल्की सी क्रीम लगाकर इसे क्रम कोट करेंगे हम, थोड़ा सा, मतलब 10 से 15 मिनट इसे फ्रिज में सेट करने के बाद अब मैं इसे क्रीम से अच्छे से कवर करूँगी। फिर भी ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा भी क्रीम इस पर ना लगाना, क्योंकि फिर बाद में भी ये डिज़ाइन से पूरा कवर होने वाला है। पर उससे पहले इसका अच्छे से फिनिशिंग करके अच्छे से इसे शेप देना ज़रूरी है। तो ये देखिए दोस्तों, जब से मैंने ये वाला स्क्रैपर खरीदा है ना, दूसरा कोई यूज़ करने का मन ही नहीं करता मुझे, बहुत जल्दी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आता है इससे।
पर इस केक को ना मुझे ऊपर की बॉर्डर की तरफ हल्का सा राउंड भी करना था, तो मैंने प्लास्टिक का स्क्रैपर भी यूज़ किया है। प्लास्टिक का स्क्रैपर आप जैसे चाहो बेंड कर सकते हो, स्टील का नहीं कर सकते, इसलिए इसे ये देखिए इस तरीके से पकड़कर जितना हो सके उतना अच्छा फिनिशिंग करने की कोशिश करेंगे हम। वैसे अभी भी अंदर का स्पंज दिख रहा है, पर इस पर और ज़्यादा क्रीम हम नहीं लगाएंगे, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से वैसे भी क्रीम से ये कवर होने ही वाला है, हमारी डिज़ाइन ही ऐसी है। पहले तो मैंने स्केल की हेल्प से इसका सेंटर मार्क कर लिया है, सेंटर एकदम ठीक से डिसाइड करना, क्योंकि इसी से अपनी सारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। अगर यहीं पर गड़बड़ हुई तो आगे भी गड़बड़ हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट डेकोरेशन के लिए हमें लगेगा पेंटागन और हेक्सागन। अगर आपके पास इन शेप्स के कुकी कटर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो फिर ऐसे करना, ये देखिए मैंने ये दो पेंटागन हेक्सागन बनाए हैं पेपर के, पर केक के हिसाब से काफ़ी छोटे लग रहे थे ये, तो फिर से ये दो बड़े साइज़ के बनाए मैंने, मतलब 4 सेंटीमीटर साइड है इनकी। अब तो ज्योमेट्री सारी भूल गई हूँ मैं, पर YouTube से सर्च करके प्रॉपर इक्विलेटरल पेंटागन और इक्विलेटरल हेक्सागन बनाने में बहुत मज़ा आया। तो सबसे पहले सेंटर में हम बनाएंगे एक पेंटागन, टूथपिक से इसके साइड से ऐसे मार्क करेंगे हम। अब धीरे से पहले इस पेपर को उठाकर साइड में रख देना, ये लगेगा बाद में, इसे संभाल कर रखना। पेंटागन हेक्सागन दोनों की साइड 4 सेंटीमीटर ही है, तो मार्क किए हुए लाइंस पर हेक्सागन की साइड रखकर यहाँ पर भी मार्क लगाएंगे हम। ऐसे ही पेंटागन के 5 साइड्स में 5 हेक्सागन आएंगे। अब परफेक्ट शेप बनाने के बाद भी आप सोचोगे कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि हेक्सागन के साइड्स एक दूसरे पर मैच नहीं हो रहे हैं, कुछ चिपक नहीं रहे हैं। तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो होगा ही, क्योंकि अपने केक का जो शेप है वो पूरा गोल नहीं है बॉल जैसा, तो लाइंस के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा ही। पर इसका टेंशन ना लेना आप, हर एक शेप को हम हल्का हल्का सा चेंज करेंगे ना, किसी को पता नहीं चलेगा पूरा केक बनने के बाद। अब हेक्सागन के एक लेयर होने के बाद हर एक हेक्सागन के बीच आएगा एक पेंटागन, ऐसे मार्क करना यहाँ पर भी, और हाँ पेंटागन के बीच में हेक्सागन आएगा। डोंट वरी दोस्तों, ज़्यादा कंफ्यूज ना होना, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ ना, आपको पता चलेगा कहाँ पर हेक्सागन लगाना है कहाँ पर पेंटागन लगाना है। ये देखो पेंटागन को थोड़ा सा पार्टे से ऊपर और थोड़ा सा साइड में आएगा। तो सारे के सारे पेंटागन को ऐसे मार्क करने के बाद फिर से इनके बीच हेक्सागन बनाए हैं मैंने। अब पहले सारे हेक्सागन को वाइट क्रीम से भरेंगे हम। स्टार नोजल का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, मैंने बिल्कुल छोटा वाला नोजल लिया है, आप चाहो तो थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हो। अब एक के बाद एक इस तरीके से एक लाइन में स्टार्स बनाते जाएंगे हम। टॉप के कंप्लीट होने के बाद साइड के जो हेक्सागन है ना, उन्हें भी वाइट कलर से ही भरेंगे। मैं हेक्सागन को वाइट और पेंटागन को ब्लैक कर रही हूँ, आप उल्टा भी कर सकते हो, पर क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े ना, इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो ये देखिए वाइट क्रीम का काम होने के बाद सारे पेंटागन्स को और हेक्सागन्स के बॉर्डर्स को हमें ब्लैक स्टार से भरना है। दिखने में काफ़ी अच्छा सोबर सिंपल केक है, पर बच्चों को बेहद पसंद आएगा, क्योंकि आखिरकार फुटबॉल है। मुझे तो बस फुटबॉल का केक बनाना आता है, फुटबॉल के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। मेरे बेटे से ही मेसी, रोनाल्डो, इन सारों के नाम पता चले हैं। तो बच्चों के लिए उनके पसंद के हिसाब से ही ऐसे केक्स बनाओगे ना, तो आप उनके फेवरेट हो जाओगे। दोस्तों दिखने में इस केक में बस डॉट डॉट्स लगे हुए हैं, पर यकीन मानिए अच्छे से इसे पूरा करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। ये देखिए पहले मैंने सारे बॉर्डर्स ही कंप्लीट किए हैं, और अब सारे पेंटागन्स को भर के कंप्लीट किया है इसे। डिज़ाइन सुंदर सोपर है, पर इतनी आसान है ना कि कोई भी इसे बना सकता है। फुटबॉल की डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद अब नीचे ग्रीन कलर का ग्रास बहुत सुंदर लगेगा। तो दोस्तों आप भी इस तरीके का केक ज़रूर से ट्राई करना, और हाँ अगर आपके पास कोई बिल्ली कुत्ता जो भी पेट है उसके बारे में कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। जल्द ही आऊँगी एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना, जिससे आपको मेरी नई वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।